आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने बचाव में एक रिट दाखिल की है। इसके तहत उन्होंने चैट्स की कुछ कॉपी मुहैया कराई है। इन चैट्स में वे अपने अधिकारियों के साथ आर्यन खान केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समीर के खिलाफ सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वे अपने अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना इस केस की जांच कर रहे थे। अब समीर ने अपने सीनियर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ इस केस के सिलसिले में हुई बातचीत का पूरा चैट कोर्ट में सबमिट किया है। दाखिल रिट के मुताबिक आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े जांच और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर डिटेल्स एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान, डीडीजी अशोक मुत्था जैन और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को समय समय पर देते रहते थे। चैट्स में जो अन्य बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक डीडीजी अशोक मुत्था जैन ने समीर को निर्देश दिया था कि वो आर्यन खान की रिमांड के लिए और मजबूती से लड़े। अशोक ने इसके लिए समीर को और एक्स्ट्रा स्टाफ देने की बात भी कही थी। इस पूरे मामले में समीर पर आरोप लगा है कि उन्होंने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने केपी गोसावी नाम के एक शख्स को जिम्मेदारी दी थी। केपी गोसावी वही शख्स है जिसने एनसीबी की गिरफ्त में रहे आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।